सेना ने दिया ज्ञापन। मृतक महिला आशा को न्याय दिलवाने के लिए दिया ज्ञापन। भीमसेना जिला अध्यक्ष अशोक भैरवा के नेतृत्व में मृतक आशा हत्याकांड का खुलासा किए जाने के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। मृतक आशा भैरवा पत्नी कालूलाल भैरवा निवासी पीली तलाई टोक जो कि पेशे से मजदूर है के साथ एक कानूनी घटना घटती है, जिसमें गत 2 जुलाई 2021 को शाम 4 बजे पति पत्नी साथ आइसक्रीम खाने के बाद पति अपने काम से चले जाता है। 1 से 1.5 घंटे के बीच में आशा फांसी के फंदे पर लटकी मिलती है। जिस कमरे में मृतक आशा ने आत्महत्या किया जाना बता रहे हैं, उस कमरे के अंदर से कुंडी भी नहीं लगी हुई मिली, जबकि मृतक आशा 1 घंटे पूर्व अपने पति कालूराम भैरवा से हरी सब्जी लाने के लिए पैसे लिए और उस सब्जी को लाकर अपने घर पर रखती है। 1 घंटे बाद इतने में इतनी बड़ी घटना घटती है कि भीमसेना जिला अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक टोक ओम प्रकाश को बताया कि प्रहार्थी कालूराम पढ़ना लिखना नहीं जानता है। कालूराम भैरवा मृतक के पति ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्ति घटना हुई जब से गायब है, जबकि पूर्व में उक्त व्यक्तियों का हमारे घर पर आया जाना करते थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद यह कॉलोनी से गायब है। साथ ही एक महिला का मृतक आशा के साथ रोजाना मिलना जुलना हुआ करता है, जो इस घटना की राजदार है, वह भी मकान खाली कर कॉलोनी से दूसरी जगह चली गई है। भीमसेना जिला अध्यक्ष अशोक भैरवा ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि पीड़ित परिवार ने जो संगीत में नाम बताए जा रहे हैं, उन संगीत में लोगों को तुरंत हिरासत में लिया जाए और सख्ती से पूछताछ की जाए। साथ ही मृतक आशा के फोन की कॉल डिटेल की भी जाँच की जाए, ताकि इस घटना का खुलासा कर पीड़ित परिवार के साथ न्याय करे। पीड़ित पति जिनका कहना है कि उनकी पत्नी को आत्महत्या किए जाने पर मजबूर किया गया और उकसाया गया है, वह गर्भवती थी और उनके पेट में 3 महीने का बच्चा था। उक्त घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति ने 1 नहीं 2 हत्याओं को अंजाम दिया है। ज्ञापन देने वाले में ज्योति भैरवा, पपिता भैरवा, कैलाश भैरवा, जगदीश भैरवा, रतन लाल भैरवा, भीमसेना ब्लॉक अध्यक्ष राजू लाल भैरवा, सागर भैरवा, भरत लाल मीणा, लोकेश शर्मा, शंकर धोबी, पप्पू भैरवा, बाबूलाल भैरवा आदि मौजूद रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, दो राजस्थान की खबर। ये की कैपेसिटी फुल होगी, रिकॉर्डिंग तो रही है ना।